लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे गुरुवर विश्वरवा ने जब से नई गुरुपत्नी केकसी के साथ गंधर्व विवाह किया है, पूरे आश्रम की व्यवस्था छिन्न भिन्न सी लग रही है। हमारे गुरुदेव अब तो पूजा के योग्य भी नहीं रहे, यहां रहने से अब कोई लाभ नहीं। वही मैं भी सोच रहा हूं प्रगति, वही मैं भी सोच रहा हूं। अब यहां हमारा जीवन एकदम व्यर्थ है। चलो चलो यहां से चलते हैं। चलो चलो ऋषिगणों, चलो चलो तुम भी चलो भाई, चलो यहां से चलो। रुक जाओ शिष्यगणों, कहां जा रहे हो तुम? क्षमा कीजिए गुरुदेव, अब हम इस आश्रम में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते सुजति? इसलिए कि नहीं गुरुदेव, हमें कुछ नहीं कहना है, कृपया हमें आज्ञा दीजिए। चलो सुजति। क्या बात है स्वामी? तुम्हारे आने के कारण मेरे समस्त शिष्य मुझसे रुष्ट होकर जा रहे हैं, मेरी बात सुनने को भी नहीं रुके। तुम देख रही हो ना देवी? इन्हें जाने दीजिए स्वामी, अपनी होने वाली तेजस्वी संतान आपका शिष्यत्व ग्रहण करेगी और आपके नाम को आगे बढ़ाएगी। अरे कुरंजन, वहां छुप कर क्यों खड़े हो? आओ यहां आओ। कुरंजन स्वामी, ये कुरंजन है, मेरे पिता सुमाली का दूत, यहां मेरे बारे में पूछने आया है। प्रणाम ऋषिवर। कुरंजन, पिताश्री और दोनों तात से कहना, ऋषि विश्रवा ने गांधर्व विवाह करके मुझे धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये तो ऋषिवर का उपकार है हम पर। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुरंजन, पिताश्री से कहना, उनके हर आदेश का मैंने अक्षरशः पालन किया है। विश्रवा से उत्पन्न होने वाला पुत्र, उनका दोहित्र, मेरे उदर में पल रहा है। धन्य हो केकसी देवी, स्वामी तो यही सुनने के लिए कब से व्यग्र हो रहे थे। मैं शीघ्र ही उन तक ये शुभ समाचार पहुंचाता हूं। पुंजिक स्थला, पुंजिक स्थला। बुझो तो कौन हूं मैं? मुझे स्पर्श करने का साहस मेरे प्रिय पवनदेव के सिवा और कौन कर सकता है? तुम्हें छूने का साहस करने वाले और देव भी तो हो सकते हैं। यह असंभव है, आप जानते हैं कि मैं आपके सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। आश्चर्य है आपने ऐसी विचित्र बात क्यों की। लगता है रुष्ट हो गई हो, क्या कोई भूल हो गई मुझसे? भूल? भूल हम दोनों से हुई है पवन। हमने नारद मुनि की उस भविष्यवाणी के बारे में उनसे पूछताछ क्यों नहीं की?
मैं भी तभी से यही सोच रहा था, परंतु नारद मुनि जैसे ही आए वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। उनसे पूछने का अवसर ही कहां मिला हमें। जब तक मैं उनसे पूरी बात जान नहीं लूंगी मुझे मुझे चैन नहीं आएगा पवन। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारे साथ कुछ कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो पुंजिका। स्वर्ग में रहने वालों को यदि चिंता होने लगी तो बेचारे पृथ्वीवासी क्या करेंगे। कुछ ऐसा उपाय करो पवन जिससे जिससे नारद मुनि से भेंट हो जाए। चलो पृथ्वी पर विहार करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही निकालेंगे। चलो। नारायण नारायण ना आकर्षण कहूं सम्मोहन कहूं आकर्षण कहूं सम्मोहन कहूं तुझे क्या संबोधन दूं। तेरी छवि पर नैना वारूं तेरी छवि पर नैना वारूं तेरी प्रीत में जीवन दूं। आकर्षण कहूं सम्मोहन कहूं तुझे क्या संबोधन दूं। हे पंचदशी रति रूपा यह रूप विरोधाभासी केशों में सघन अमावस मुखड़े पर पूर्णमासी दे अनुमति मुझे प्रेयसी मैं तुझे दे अनुमति मुझे प्रेयसी मैं तुझे अनुराग भरा मन दूं। तेरी छवि पर नैना वारूं तेरी छवि पर नैना वारूं तेरी प्रीत में जीवन दूं। पाषाण में कैसे लाऊं वह प्रेम भरी चंचलता मूर्ति से कैसे पाऊं। तू रूप गर्विता मत होना तू रूप गर्विता मत होना हाथों में जो दर्पण दूं। आकर्षण कहूं सम्मोहन कहूं तुझे क्या संबोधन दूं। नारद मित्र नारद मित्र नारद मेरे मित्र नारद तुम यहाँ कब आए। तुम्हारे स्वर का उतार चढ़ाव मुझे यहाँ तक खींच लाया बालमित्र पर्वतो। ये कौन सुंदरी है जिसके चरणों में तुम अपने स्वर के फूल चढ़ा रहे थे। ये न पूछो मित्र नारद जब से इसे देखा है मन भाव विमल हो गया।
इसके सिवा किसी दूसरे को देखने को जी ही नहीं चाहता। मुझे भी नहीं। अब मैंने कहीं यहाँ आकर तुम्हारा सपना तोड़ तो नहीं दिया मित्र? नहीं मित्र, तुम यहाँ आए तो कुछ क्षणों के लिए मैं अपनी श्रीमती को भूल गया। और सुनाओ बाल सखा, अनायास ही अपने इस मित्र का इतने वर्षों बाद स्मरण कैसे हुआ है? इसे योग संजोग ही समझो मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो यूं ही आकाश में विहार करता हुआ जा रहा था कि तुम्हारा स्वर सुना और फिर तुम यहाँ आए, मेरे लिए यही बात। वो सुंदरी कौन है ये तो बताओ? राजा शीलनिधि की राजकुमारी है श्रीमती। उस दिन राजा ने राज्यारोहण दिवस के उपलक्ष्य में संगीत सम्मेलन रखा था, वहीं इस मनमोहिनी को देखा। मित्र मैं सत्य कहता हूं, जीवन में मैंने अनेक स्त्रियां देखी हैं, परंतु ऐसा जानलेवा आकर्षण पहले कभी नहीं देखा। नारायण नारायण, मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूं मित्र, नारायण के गुण गाता रहता हूं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहता हूं। बाल सखा नारद, एक बार श्रीमती के दर्शन कर लेने के बाद में सारी भक्ति भावना भूल जाओगे। उसकी एक छलक पाने के पश्चात उसके सिवा तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा। इस बाल ब्रह्मचारी को चुनौती ना दो मित्र। देखो मित्र, मैं भी एक कलाकार हूं। उस मूर्ति में राजकुमारी को देख लेने के बाद उसके आकर्षण का प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगा है। तुम्हारे मन में इच्छा ये अवश्य है कि एक बार राजकुमारी के दर्शन हो जाएं। बताओ बताओ, ये बात सत्य है या नहीं? नारायण नारायण, नारद कभी असत्य नहीं बोलता। मुझसे असत्य बुलवाने की चेष्टा ना करो। आज राजकुमारी इसी ओर वन विहार के लिए आने वाली है, हो सकता है तुम्हें उनकी एक झलक मिल जाए। नहीं 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 नारायण नारायण, इस बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से दूर ही रखो। ये जंजाल नहीं है नारद, अगर राजकुमारी तुम्हारे मन में बस गई तो हो सकता है तुम्हें वो मिल भी जाए। वो सुंदरी राजकुमारी मेरी हो सकती है? कैसे? अगले सप्ताह श्रीमती का स्वयंवर होने वाला है, जो पुरुष उसे भा जाएगा श्रीमती उसके गले में वरमाला डाल देगी। क्या तुम सत्य कह रहे हो पर्वतो? बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ मित्र, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ स्वयंवर में ले चलूंगा, हम दोनों एक साथ अपने भाग्य की परीक्षा देंगे। नारायण नारायण। नारद मुनि तो अधिकतर ऋषि मुनियों के आश्रमों में ही विचरते होंगे, यही कहीं हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा अनुमान सत्य हो, चलो देखते हैं। चलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम मुनिवर। नमस्कार मुनिराज। पवनदेव, आप यहां? ये कौन है? ये स्वर्ग अप्सरा पुंजिक स्थला है मुनिवर, चले जाओ यहां से, इस आश्रम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यज्ञ की इस अग्नि को अपनी दृष्टि से अपवित्र न करो देवी, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से।
अपराध क्षमा हो मुनिवर, हम तो नारद मुनि की खोज में यहां आए हैं। इस आश्रम में कोई नहीं आ सकता, नारद भी नहीं। तुम दोनों ने आकर यहां के वातावरण को दूषित किया है, अब तुम्हें इसका अशुभ परिणाम भुगतना होगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमारे क्रोध को आमंत्रण न दो देवी। तुम्हारा यह दोष क्षमा के योग्य नहीं है, निकल जाओ यहां से। भगवान विष्णु शिवशंकर, आज अनजाने में आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इस यज्ञ की पवित्र ज्वाला उस अप्सरा की दृष्टि से अवश्य पवित्र हुई होगी, क्षमा करें भगवन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यौनः प्रचोदयात्। देखो मित्र, ये है वो स्थान जहां राजकुमारी श्रीमती प्रतिदिन वन विहार के लिए आती है। परंतु मेरा इस तरह छुप छुप कर राजकुमारी को देखना उचित रहेगा? जब आंखें सुंदरता की प्यासी हों तो उन्हें तृप्त करना ही उचित है, और वही परम धर्म है। इस धर्म से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? नारायण नारायण, परंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। देखो मित्र, मेरे सिवाय यहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, क्यों घबरा रहे हो? परंतु प्रभु नारायण की दृष्टि तो हर स्थान पर लगी रहती है, वे देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा ही है ना, तुम्हारे नारायण को भी तुम्हारी मनोकामना का पता चल जाएगा, हो सकता है वो भी तुम्हारी इसमें सहायता कर दें। हाँ हाँ, राजकुमारी श्रीमती को प्रत्यक्ष रूप से देखने में तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? चुप क्यों? बोलो ना। नहीं 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 नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, जाने दो मुझे। नारायण नारायण। सुनो नारायण, अब तुम लेकिन स्वयंवर में तो आओगे ना? नहीं नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वयंवर से मेरा कोई संबंध नहीं। देखो नारद, हम दोनों स्वयंवर में एक साथ चलेंगे और जाकर अपने भाग्य की परीक्षा देंगे, तुम्हें आना ही होगा। नारायण नारायण, इस बाल ब्रह्मचारी नारायण भक्त के इस रूप को देखकर क्या श्रीमती मेरे गले में वरमाला डालेगी? तो रूप बदल लो, तुम तो नारायण के परम भक्त हो, क्या वे तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करेंगे? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तो मेरी बात सुनो, एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आओ, ऐसा रूप नारद कि मैं भी तुम्हें ना पहचान सकूं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भगवान, प्रणाम माता लक्ष्मी। मुनिवर, आज अचानक इधर कैसे मार्ग भूल गए आप? मार्ग नहीं भूला माता, इधर उधर भटक कर उचित स्थान पर पहुंच गया हूँ, आपके दर्शन हुए तो धन्य हो गया। नारद जी, आपके मुखमंडल पर सदा विकसित रहने वाला हास्य आज अचानक कहाँ चला गया? आप इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? नारद जी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, ये अचानक क्या हो गया है आपको? नारायण नारायण, क्या हुआ है मुझे? नहीं देवर्षि, कुछ तो हुआ ही है, अब छुपाने से कोई लाभ नहीं। प्रभु, आप तो तीनों लोकों में घटने वाली घटनाएं देखते रहते हैं, आपने अवश्य वो घटना को भी देखा होगा। नहीं मुनिवर, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं हमने उसे जानबूझकर नहीं देखा। अर्थात आप ये समझ गए होंगे कि मैं यहाँ आपके पास किस उद्देश्य से आया हूँ। हमें भी बताइए मुनिवर, आप
किस विशेष उद्देश्य से आज वैकुंठ धाम पधारे हैं? प्रभु सब जानते हैं माता, उन्होंने अवश्य आपको भी सब कुछ बताया होगा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नारायण नारायण। नहीं मुनिवर, हमने इन्हें कुछ नहीं बताया, नहीं बताना चाहते हैं। जो कुछ हुआ या होने वाला है वो हम आप ही के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। प्रभु, अचानक ही मुझ बाल ब्रह्मचारी के मन को एक सुंदरी के सौंदर्य ने आकर्षित कर लिया है। मैं असमंजस में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो मन में हो वही करना चाहिए नारद जी, आप अपने मन की बात हमें बताइए, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। नारायण नारायण, मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी आशा को अवश्य फलीभूत करेंगे। फिर इनके बाल ब्रह्मचर्य का क्या होगा? कहीं इनकी नारायण भक्ति को अब कीर्ति का कलंक न लग जाए। अच्छी तरह से सोच लीजिए नारद जी, क्या आप उस सुंदरी के आकर्षण को भूल नहीं सकते? भूलना तो बहुत चाहता हूँ प्रभु, परंतु मैंने अपने बाल मित्र पर्वतों को वचन दिया है कि मैं श्रीमती के स्वयंवर में अवश्य पहुंचूंगा। जब वचन दे ही दिया है तो तोड़ना ठीक नहीं है, कहिए आप हमसे क्या आशा रखते हैं? प्रभु, आप उस एक दिन के लिए अपना श्री हरि रूप मुझे दे दीजिए। आपसे सुंदर पुरुष सारे संसार में कोई नहीं, उस रूप को देखकर श्रीमती को वरमाला मेरे गले में डालनी ही होगी। नारद जी, श्रीमती ने यदि आपके गले में वरमाला डाल दी तो आप गृहस्थी और संसार के झंझटों में फंस जाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा मुनिवर, आप नारायण भक्ति भूल जाएंगे। प्रभु की कृपा से वो सब मैं फिर से प्राप्त कर लूंगा माता, बस एक बार मैं अपने चंचल मन को श्रीमती का साथ पाकर शांत करना चाहता हूँ। तथास्तु नारद जी, हम एक दिन के लिए आपको ऐसा रूप प्रदान करेंगे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आप धन्य है प्रभु, धन्य है, आपकी कृपा अपरंपार है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, ये शुभ समाचार मैं अपने बाल मित्र पर्वत को सुनाऊंगा। नारायण 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 नारायण। ये आपने क्या किया? नारद जीवन भर की तपस्या से हाथ धो बैठेंगे प्रभु। तुम देखती जाओ लक्ष्मी, नारद का नया रूप देखकर तुम चकित रह जाओगी। सुनो, ये स्वयंवर प्रारंभ होने में भी कितनी देर है? पधारिये राजकुमार जी, आप मंडप में प्रवेश करें, स्वयंवर का शुभ मुहूर्त अब प्रारंभ होने वाला है। जी धन्यवाद। जहाँ तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है वहीं तो लाया हूँ देवी लक्ष्मी। मेरा स्वयंवर? ये आप क्या कह रहे हैं? अपने प्रिय भक्त नारद के लिए ये नाटक हमें करना होगा देवी लक्ष्मी। नारद के लिए नाटक? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा होगी, तुम्हें रूप बदल कर राजकुमारी श्रीमती बनना होगा, और यहाँ पर उपस्थित राजकुमारों में से किसी एक के गले में तुम्हें वरमाला डालनी होगी। परंतु अपने पति के गले में? स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी आदरणीय राजपुरुष ध्यान पूर्वक सुनिए। देवी, तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा हो रही है। तुम्हारे स्थान पर राजमहल में मायवी श्रीमती बैठी है, तुम शीघ्रता से जाकर उसका स्थान ग्रहण करो, मैं भी रूप बदल कर वहां शीघ्र पहुंचता हूँ। जो आ गया प्रभु। क्षत्रिय कुलभूषण परम प्रतापी महाराज, शील निधि की राजकन्या, अति सुंदर रूपवती गुणवती सर्वगुण संपन्न त्रिलोक सुंदरी राजकुमारी श्रीमती वरमाला लेकर मंडप में पधार रही हैं। यह है गरवर प्रदेश के नरेश महाराज श्रीधर सिंह।
इनकी ओर निहारिए, ये है मत्स्य प्रदेश के युवराज श्री सुमना। और ये है राजकुमारी श्रीमती, मैं किसी धरती या देश का राजकुमार नहीं, बल्कि कला का राजकुमार, एक शिल्पकार और एक संगीतकार हूं। मेरा नाम पर्वत कुमार है। आपके इस अत्यंत मनमोहक रूप का प्रशंसक हूं। राजकुमारी जी, अगर आप मेरे गले में वरमाला डालेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको सदा सुखी और सदा प्रसन्न रखूंगा। आप कहां के राजकुमार हैं वानर राज? क्या बात कह रहे हो? हम वानर राज नहीं हैं। चलिए राजकुमारी जी, ये कोई वानर राज मनुष्य के वस्त्र पहनकर यहां चले आए, आगे बढ़िए। ठहरिए, ये हमारा अपमान है। आपको बताना होगा कि हम में क्या कमी है जो ये वरमाला आप हमारे गले में नहीं डालेंगे। वानर राज, ये स्वयंवर है। राजकुमारी श्रीमती अपनी इच्छा से जिसे चाहेंगे उसके गले में वरमाला डालेंगी। आप पहले अपना मुंह तो दर्पण में देख लीजिए, फिर आगे सोचेंगे। चलिए राजकुमारी जी, ये है राजकुमार श्रीहरि। इनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है। रहने दीजिए महामंत्री जी, मैं इनके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। अब यही मेरे वर राजा है। मैं वानर मुखी बन गया। मुझे स्वयंवर में सबके सामने हंसी का पात्र बनाया गया। मुझे सबके सामने मूर्ख बनाया गया। नहीं, नहीं। नारद, मित्र नारद, 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 कहां चले गए थे तुम और किसे कोस रहे हो? कोस रहा हूं अपने भाग्य को, अपने भाग्य विधाता को, जिन्होंने ये क्रूर परिहास किया मेरे साथ। कहीं तुम श्री हरि की बात तो नहीं कर रहे हो? नाम मत लो उनका मेरे सामने। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रहे हो नारद? तुम तो श्री हरि के परम भक्त हो और उन्हीं का नाम लेने से मुझे रोक रहे हो। देखो पर्वतो, इस समय मेरा हृदय जला जा रहा है, उस पर नमक छिड़कने का प्रयास ना करो, अकेला रहने दो मुझे। नारद, मुझे बताओ तुम्हारे मन की व्यथा क्या है? देखो, अगर विपत्ति में एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो मित्रता कैसी? अच्छा ही हुआ जो उस विचित्र रूप में तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरी व्यथा मेरी अपनी व्यथा है, उसे सुनाकर मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहता। अकेले रहने दो मुझे, अपने क्रोध क्षोभ और विफलता की आग में अकेले चलने दो मुझे। नारद, मित्र नारद, नारद, वो रहे देवर्षि नारद। देख रहे हो पवन, जिन्हें खोज खोज कर हम निराश हो चुके थे, वे नारद मुनि हमारे सामने चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है आज हम शुभ मुहूर्त देखकर स्वर्ग से निकले थे। अवश्य नारद मुनि हमारी आशा पूर्ण करेंगे। चलो। प्रणाम मुनिवर। कुंजिक स्थला को इस तरह से क्यों देख रहे हैं देवर्षि? क्या कोई भूल हो गई इससे? क्या कोई अपराध हो गया? यही है उस अपराध की जड़ जो मेरे मन में जाता है। ना ये समुद्र से बाहर निकलती, ना मैं इसे देखता, ना मेरे हृदय में स्त्री के प्रति मोह उत्पन्न होता। इसी के कारण मैं हास्य और क्रोध का पात्र बना हूं। ऐसा लगता है जैसे दुर्भाग्य इसके आसपास मंडरा रहा है। दूर हो जाओ मेरे सामने से, वरना मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु
मैंने जानबूझकर तो कोई अपराध नहीं किया देवर्षि। अपराध जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, अपराध अपराध है। उस दिन भी स्वर्ग लोक में तुमने अपना मन मोहक रूप दिखाकर मुझ बाल ब्रह्मचारी के मन में विकार का जो बीज बोया था वो एक कांटेदार वृक्ष बन चुका है, जिसकी चुभन ने मेरे मन को लहू लोहान कर दिया है। ये निर्दोष है देवर्षि, इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। नहीं, नहीं, इसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं, इसका कुपरिणाम इसे भुगतना ही होगा। मेरा दुर्भाग्य, मुझे कहां ले जाकर छोड़ेगा पवन देव? जहां जाती हूं वहीं वहीं मुझे नए प्रहार का सामना करना पड़ता है। कुंजिक स्थला, ये तो योग संयोग की बात है। ना हम स्वर्ग से यहां आते ना देवर्षि हमसे टकराते। चलो स्वर्ग लोक लौट चले। अच्छा तो अब बैकुंठ के द्वार भी बंद हो गए मेरे लिए। श्री हरि, मेरे क्षोभ और क्रोध की सीमाओं को ना छेड़िए, द्वार खुलवाइए। नारद जी, आपके मुख से अब नारायण का नाम निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है, ऐसा क्या हो गया है नारद जी? आप कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। भगवान ने अपने भक्त के साथ एक क्रूर खेल खेला है, उसके मन की शांति को भंग किया है, नाम को कलंकित किया है। अब आप मुस्कुराकर मेरे प्राण में और विष ना घोलिए। बताइए क्यों खेला ये खेल मेरे साथ? अब जान बूझ कर अनजान ना बनिए प्रभु, मेरे क्षोभ और क्रोध की आग को और ना भड़काइए। तुम्हारा ये रूप पहले हमने कभी नहीं देखा नारद जी, इस रूप में भी आप कम आकर्षक दिखाई नहीं देते हैं। भगवान विष्णु, मैं आपका भक्त हूं, रात दिन नारायण नारायण की रट लगाते रहता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जब चाहे मेरे साथ खेल खेल सकते हैं, सारे संसार के सामने मुझे हंसी का पात्र बना सकते हैं। क्या हुआ है नारद जी, आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हुआ क्या है? आप दोनों मिलकर कब तक मुझे इस तरह मूर्ख बनाते रहेंगे? आपके षड्यंत्र ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कैसा षड्यंत्र नारद जी? षड्यंत्र? हाँ हाँ, षड्यंत्र। षड्यंत्र मेरे मन में एक स्त्री के प्रति आकर्षण जगाने का, षड्यंत्र मुझे प्रताड़ित करने के लिए वानर मुखी बनाने का। मैंने आपसे श्री हरि रूप मांगा था, वानर का रूप नहीं। यदि आप मुझे सुंदर रूप नहीं दे सकते थे तो उसी समय ना कर देते? वानर का रूप देने की क्या आवश्यकता थी? बताइए क्यों किया, क्यों किया ये क्रूर विनोद आपने मेरे साथ? हमने आपके साथ वही किया जो करना चाहिए था। आप अखंड ब्रह्मचारी रहकर नारायण भक्ति का प्रचार करने के लिए ही संसार में आए हैं। एक साधारण प्राणी की तरह स्त्री के प्रति मोहित होकर गृहस्थी के जंजाल में फंसने के लिए नहीं। तो ये बात आप मुझसे पहले भी कह सकते थे प्रभु, ना मैं स्वयंवर में जाता ना इस तरह लज्जित होता। प्रभु, मेरा भी अपना मान है, स्वाभिमान है। प्रभु, आप मुझे दुर्बल ना समझिए, मैं आपकी भक्ति की शपथ खाकर कहता हूं कि आप भी मेरे अपमान के परिणाम से बच नहीं पाएंगे। मैं नारद आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह आपने मुझे स्त्री के वियोग की आग में तड़पाया है, ठीक उसी तरह अगले अवतार में आप भी स्त्री वियोग की आग में तड़पते रहेंगे। ये क्या कह रहे हो नारद, अपना श्राप वापस लो। नहीं,
आपने जिस वानर का रूप देकर सबके सामने मुझे हंसी का पात्र बनाया, वैसे ही वानरों से आपको सहायता लेनी होगी। जब तक आप उन वानरों की सहायता नहीं लेंगे, आप स्त्री वियोग की आग में जलते रहेंगे। आपके मन की सुख शांति मेरी ही तरह आपसे दूर हो जाएगी। आप भी मेरी तरह भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। प्रभु, नारद जी आपको श्राप पर श्राप दिए जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। यही श्राप पाने के लिए तो हमने नारद के साथ ये षड्यंत्र रचा था लक्ष्मी, ये नाटक खेला था। नारद का ब्रह्मचर्य बचाना उतना ही आवश्यक था जितना कि हमारा ये श्राप पाना। ये दोनों कार्य इसी प्रकार संपन्न होने थे, सो हो गए। हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। हमारे अगले अवतार में हमारे साथ क्या होने वाला है ये स्वयं नारद जी ने बता दिया। हम आपके आभारी हैं नारद जी, ये शाप देकर आपने हमारे अगले अवतार में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर दिया। प्रभु, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। प्रभु, होनी को कोई नहीं टाल सकता लक्ष्मी, स्वयं हम भी नहीं।